हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरा यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग चैप्टर में से इलस्ट्रेशन नंबर 50 के बारे में। ओके, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 50 क्या कहता है। क्वेश्चन में हमको क्या क्या चीज़ें दी हुई, यूनियन ट्रांसपोर्ट कंपनी दी हुई है, क्या क्या सप्लाइज द फॉलोइंग डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रक ऑफ 5 टन कैपेसिटी। इसके पास जो भी जो ट्रक है उसकी कैपेसिटी है 5 टन की। ओके, इसके आगे हमको कॉस्ट ऑफ ट्रक दिया हुआ है, एस्टिमेटेड लाइफ भी दी हुई है, डीजल के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है पर मंथ, ड्राइवर का वेजेस है, क्लीनर्स का वेजेस है पर मंथ। पर मंथ वाली चीज़ हम ऐसे रिपोर्ट करेंगे तीनों को। चलिए, इसके आगे हमको इंश्योरेंस, टैक्स एंड जनरल सुपरवाइजर का चार्ज दिया हुआ है, तो इन तीनों को हम डिवाइड बाय 12 कर देंगे क्योंकि हमको पर मंथ फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमको पर एनम दिया हुआ है। ओके, चलिए, इसके आगे हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें दी हुई है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमको लिखा हुआ है कि ट्रक कैरीज गुड्स टू एंड फ्रॉम द सिटी कवरिंग 50 किलोमीटर्स डिस्टेंस ईच वे। ओके, यहाँ पे लिख ही दिया है कि जाने का एंड रिटर्न आने का, टू एंड फ्रॉम वर्ड यूज़ किया है। ओके, ये दोनों का मिला के 50 किलोमीटर्स यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, चलिए, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, आउटवर्ड ट्रिप फ्रेट इज अवेलेबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ कैपेसिटी, रिटर्न में केवल 20% ऑफ कैपेसिटी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमको कब काम लगेगा, जब हम 10 किलोमीटर्स फाइंड आउट कर रहे होते वहाँ पे ये हमको चीज़ ध्यान में रखनी है, पर जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगी। इसके आगे हमको क्या लिखा है कि भाई हमको मंथ में 25 डेज ही कंसिडर करने हैं। हमको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट पर 10 किलोमीटर। ओके, इसके आगे क्या फाइंड आउट करना है, रेट फॉर टन पर ट्रिप। ओके, यहाँ पे हमको पर ट्रिप कितना रेट रहेगा, ओके, टन का, ये हमको फाइंड आउट करना है। इफ द प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन द फ्रेट इज टू बी अर्न। ओके, जब हमको यहाँ पे फ्रेट पे प्रॉफिट की परसेंटेज दी हुई कि भाई फ्रेट पे 50% हमको अर्न करना है प्रॉफिट। चलिए, हम सबसे पहले स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें दी हुई उसके हिसाब से। यहाँ पे हमने सबसे पहले रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, ड्राइवर्स की वेजेस है, क्लीनर्स के वेजेस है, तीनों इंफॉर्मेशन एज इट पुट कर दी है। टैक्स है, इंश्योरेंस है, जनरल सुपरवाइजर का चार्ज है, इन तीनों को डिवाइड बाई 12 करके पुट कर दिया है। चलिए, अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, तो हमको ये टोटल कॉस्ट दी हुई 90,000, इसको हमने डिवाइड कर दिया है, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ से वो है 10 ईयर्स। ओके, पर ये हमको पर एनम में आंसर मिलेगा इसलिए हमने डिवाइड बाई 12 कर दिया है, इसलिए डेप्रिसिएशन का भी हमको कॉस्ट मिल गया है। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं डीजल, ऑयल एंड ग्रेस के बारे में। ओके, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे हमको लिखा हुआ है कि भाई 15 रुपीज़ पर ट्रिप ईच वे। ओके, तो यहाँ पे टू एंड फ्रॉम, ओके, यही हमको लिखना है कि भाई 15 रुपीज़ का चार्ज है टू एंड फ्रॉम मिला के, जाने का एंड रिटर्न आने का दोनों को, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 12 2 से। ओके, एंड मंथ के 25 डेज है यहाँ पे, इसलिए हमने ऑल्सो इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया है 25 से। ओके, जिससे हमको मंथली इस डीजल, ऑयल एंड ग्रीस का कॉस्ट मिल सके। ओके, तो ये सारी चीज़ों को मिलाएंगे तो हमको टोटल कॉस्ट मिल गई हुआ ये 3,750 रुपीज़। चलिए, अब हम प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पे हमको ऐड करना है 50% और प्रॉफिट ऑन फ्रेट। ओके, ये सब हमको क्वेश्चन में बोला गया है, तो हमारे पास तो फ्रेट है नहीं, हमारे पास केवल कॉस्ट ही है। ओके, हमको टोटल कॉस्ट मिली है, तो जब हम यहाँ पे हमको क्या लिखा हुआ है कि भाई 50% ऑन फ्रेट, फ्रेट को हम दूसरे वर्ड में यदि आपको समझने के लिए बोले तो यहाँ पे इसको हम दूसरे वर्ड में सेल्स भी कह सकते हैं। ओके, हमको फ्रेट ही रहने देना है, पर यहाँ पे हमको समझने के लिए केवल मैंने सेल्स लिया है। जो कुछ भी आपको चीज़ दी हुई उसी को आप 100 अज्यूम कर लीजिए, यहाँ पे हमको फ्रेट दिया हुआ इसलिए हमने फ्रेट को 100 अज्यूम कर लिया है। ओके, चलिए,
इसके हमको 50% करने हैं, इसके 50% करेंगे तो हमको कितनी अमाउंट मिलेगी, 50। ओके, तो 100 में से 50 निकालेंगे तो हमको कॉस्ट कितनी मिली है, 50 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड कॉस्ट की अमाउंट सेम ही है। ओके, तो हम दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट इज़ 100% ऑन कॉस्ट। ओके, तो चलिए जब हमको कहीं पर भी ऐसा वर्ड दिखे कि भाई प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन फ्रेट, तो यहाँ पे इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि प्रॉफिट इज़ 100% ऑन कॉस्ट, क्योंकि ए लॉजिक के हिसाब से। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे भी ये इस तरह से ही लिखेंगे। यहाँ पे हमने हमको टोटल कॉस्ट मिली थी, उसके हमने 100% कर दिए तो हमको प्रॉफिट मिल गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको टोटल फ्रेट की अमाउंट मिल जाएगी। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। हम सबसे पहले 10 किलोमीटर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, हमने आपको बताया था कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में जो हम बाद में डिस्कस करने वाले थे। ओके, तो चलिए उसी का ही टाइम आ गया है। यहाँ पे टू एंड फ्रॉम का हमारे पास 50 किलोमीटर्स है। ओके, ये राउंड ट्रिप हम इसको दूसरे वर्ड में कह सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ट्रक की कैपेसिटी 5 टन की है। ओके, तो चलिए अब मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता ही देती हूँ। यहाँ पे हमको आउटवर्ड ट्रिप के बारे में क्या लिखा है कि आउटवर्ड ट्रिप फ्रेट इज़ अवेलेबल टू द फुल टू द एक्सटेंड ऑफ फुल कैपेसिटी, बट रिटर्न में कितनी आती है, 20% ऑफ कैपेसिटी। ओके, यहाँ पर सबसे पहले तो हमने 50 किलोमीटर्स इंटू 5 टन्स ले ही लिया है, पर रिटर्न वाली ये चीज़ जो कुछ भी हमको दी हुई है रिटर्न वाली है। यहाँ पर हमने 50 × 5 के 20% कर दिए है। ओके, क्योंकि ये रिटर्न वाली चीज़ है। ओके, चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए एंड इसके आगे इसको और भी मल्टीप्लाई करिए 25 डेज के। ओके, क्योंकि हमको पर मंथ का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करना है कि भाई मंथ में कितना 10 किलोमीटर्स रन हुआ है ट्रैक। ओके, तो यहाँ पे कितना टोटल आ गया है, 7510 किलोमीटर्स। ओके, चलिए अब हमारा सबसे पहला वाला क्वेश्चन था कि भाई हमको फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट 10 किलोमीटर। ओके, तो चलिए ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमको कॉस्ट, टोटल कॉस्ट तो मिल गई है, वो है 3750 रुपीज़ एंड हमने 10 किलोमीटर्स भी फाइंड आउट कर लिया है, तो इससे हमको डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 0.50 रुपीज़। ये हमको मिल गई ऑपरेटिंग कॉस्ट 10 किलोमीटर। ओके, चलिए इसके आगे हमको प्रॉफिट ऐड करना है। ओके, कि जिससे हमको दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर भी मिल सके, कि हमको दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई रेट 4 टन पर ट्रिप। ओके, तो यहाँ पे हम ऐड कर देते प्रॉफिट। ओके, 50% ऑन फ्रेट, इसका मतलब है कि भाई 100% ऑन कॉस्ट। ओके, चलिए यहाँ पर 0.50, इसके हमने 100% कर दिए, इसलिए इसका भी 0.50 आ गया है हमारा प्रॉफिट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको रेट 4 टन पर ट्रिप मिल गया है, हुआ है 1 रुपीज़। ओके, तो आप इस प्रकार से इलस्ट्रेशन नंबर 50 सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको इसके अंदर कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछना ना भूलें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।